प्रदेश के कृषि शिक्षा अनुशासन राज्य मंत्री रघुवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यालय भिंगा स्थित कलेक्ट्रेट में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। साथ ही पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री से बेसिक शिक्षा अधिकारी के जिले में कई फर्जीवाड़े आने का मुद्दा उठाया, जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जांच के आदेश मुख्य विकास अधिकारी को दे दिए गए हैं, जांच आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। और उनमें 8 में एक शरावस्ती भी है और उसी के तहत आप देख रहे हैं जो युवा अधिकारी है, जो कम उम्र के हैं, जिनमें काम करने की क्षमता है, उसी वही अधिकारी यहाँ पोस्ट किए जा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं को वो पूरी मेहनत से पूरी लगन से इसको पूरा करेंगे। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो अधिकारी कम थे वो सारे अधिकारी इस साल अभी पूरे किए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा जो भी कमी होगी वो शरावस्ती की पूरी कर परिवार ऐसे होंगे जो कवर नहीं होंगे तो बेसलाइन सर्वे के हिसाब से वो खुले में शौच मुक्त होंगे। और बहुत जगह आप देखेंगे तो खुले में शौच मुक्त प्रस्तावित भी हैं कई गांव, क्योंकि एक तरीके से स्वच्छ भारत मिशन से आईसी भी हो गया और सुप्रा जो गांव का नाम और उसका डिटेल होना चाहिए वो एक तरीके का बोर्ड भी लग गया, तो एक तरीके के स्वच्छ भारत मिशन से मिक्स करके हमने बोर्ड वाला काम भी करवा लिया और उसका एक प्रचार प्रसार भी हो गया। उस वजह से जो भी कई ऐसे शिकायतें आएंगी संज्ञान में आएंगी उसका मैंने तो जागरूक।